खबर कवर्धा से है, जहां कांग्रेस के प्रदर्शन से ग्रामीणों ने दूरी बनाई है। मामले में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और मामले में हम राजनीति नहीं चाहते हैं, ये ग्रामीणों का कहना है। प्रशासन निर्दोष लोगों को रिहा करे, कांग्रेस के प्रदर्शन की अनुमति रद्द हो तो ग्रामीणों की तरफ से मांग की गई है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो राजनीति इस पूरे मामले को लेकर के नहीं चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। और साथ ही ये भी कहा है कि जो निर्दोष लोग हैं उन्हें प्रशासन की तरफ से रिहा किया जाए और कांग्रेस के प्रदर्शन की अनुमति को रद्द किया जाए। तो कवर्धा मामले में कांग्रेस के प्रदर्शन से ग्रामीणों ने दूरी बना ली है और इसी को लेकर के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि मामले में हम राजनीति नहीं चाहते हैं और इसीलिए कांग्रेस का जो प्रदर्शन है उसको रद्द कर दिया जाए। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता सतीश तंबोली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, कलेक्टर को ज्ञापन ग्रामीणों ने सौंपा है, मांगे भी रखी हैं, जो निर्दोष लोग हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, और क्या कुछ मांगे हैं ग्रामीणों की तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरह से लोहारी जी है, लोहारी जी कांड को माह भर से भी ज्यादा बीत चुके हैं, बावजूद अभी तक वहां की आग ठंडी नहीं हुई है और लगातार सियासत जारी है, लेकिन अब जो है ग्रामीण खुलकर सामने आए हैं और थोड़ा सा नाराजगी भी वो जता रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार राजनीति हो रही लोहारी डी कांड को लेकर, न्याय की मांग के लिए हमने भी अधिकारियों से और सरकार से मांग की है, कार्यवाही लगातार चल रही है, अभी भी हम चाहते हैं कि न्याय मिले और निर्देशों को छोड़ दिया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही किया जाए। अब हम जो है गांव में अमन शांति चाहते हैं, किसी प्रकार का राजनीति नहीं चाहते, इसलिए वो जो आज कलेक्टेड आए हुए थे और उन्होंने कहा कि 21 तारीख को एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस करने जा रही है, जिसमें जो है डिप्टी सीएम के कार्यालय का घेराव होना है और धरना प्रदर्शन किया जाना है, उसका वो विरोध करते हैं और वो बिल्कुल उस कार्यक्रम में शामिल नहीं है और उनका विरोध के साथ साथ वो उन्होंने ये इस बात की भी मांग की है कि अगर उसको उनको जो है ये कार्यक्रम की अनुमति अगर दी गई भी हो तो उन्हें रद्द कर दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और वहीं कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बाल बाल बचे हैं, स्कूली बच्चे बेकाबू।